शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैंड के पीछे मंगलवार को हुई महिला की हत्या मामले में पुलिस ने हत्यारे को 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मृतका के साथ ही रहता था। उदयपुर स्थित बस स्टैंड के पीछे रेलवे लाइन के पास अस्थायी झोपड़ी में रहने वाली तारा कालवेलिया की मंगलवार को इसी के साथ रहने वाले गौतम ने किसी बात को लेकर उसकी हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी गौतम को बलीचा बाईपास से गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी राम सुमेर मीणा ने बताया कि मृतका तारा कालवेलिया के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि मृतका और गौतम पिछले करीब 10 माह से साथ ही रह रहे थे, लेकिन मंगलवार रात को किसी बात पर इन दोनों में झगड़ा हो गया और तैश में आकर गौतम रावत ने तारा की हत्या कर डाली। को सूचना मिली कि बस स्टैंड सोफिट रोड पे कच्चे झोपड़े में एक महिला की लाश पड़ी हुई है, जिस पे मौके पे पहुंच के पता किया, मौका मुआयना किया तो पता लगा कि ये जो मृतका महिला है तारा कालबेलिया, जो मल्ला तलाई की निवासी है, उनके परिजनों को बुलाया तो इसके परिजनों में इसका बेटा रवि कालबेलिया आया, जिसने बताया कि ये 8-10 महीने से कोई गौतम गमेती है जिसके साथ में यहाँ पर निवास कर रही थी और कल रात्रि को इसकी गौतम गमेती से झगड़ा हुआ तारा कालबेलिया का, तो गौतम गमेती ने इसके साथ मारपीट की जिससे इसकी मृत्यु हो गई। इसके पुत्र की रिपोर्ट पे 302 में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आज पीएम करवाया जाकर लाश परिजनों के सुपुर्द कर दी है। जो अभियुक्त था उसको हमने रात भर में पतारसी की जाकर इसको बलीचा बाईपास के वहाँ से गिरफ्तार किया है। कल कोर्ट में पेश करके इसका पीसी रिमांड प्राप्त करके अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।